सब कैसे हो? सब अच्छे हो? सबको जय श्री श्याम। अंजलि हाउस वर्किंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हैप्पी मदर्स डे है, तो बस मैं सुबह का मेरा आज, क्योंकि आज संडे है तो बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो बच्चे भी स्कूल, सुबह नाश्ता नुश्ते का तो कोई टेंशन नहीं है, तो बस मैं उठी थी आराम से, तो घर का झाड़ू पोछा सारा डस्टिंग का काम मैंने सुबह ही निपटा दिया है। आज नहाने से पहले मेरा झाड़ू पोछा सब निपट चुका है, बस नाश्ते का रह रहा है, क्योंकि पूजा भी मैं कर चुकी हूँ, ठाकुर जी को भी नहला चुकी हूँ। देखिए वो बैठे मेरे ठाकुर जी, बुढ़िया मेरी लेट रही है, ठाकुर जी भी नहा चुके हैं मेरे, पूजा भी हो चुकी है। बस हमने चाय और नमकीन बिस्कुट से चाय ले ली थी, तो बस मैं अब खाने की तैयारी, खाना नाश्ता एक साथ कर। तो देखिए फ्रेंड, बस मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ खाना बनाने से पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि आज आप लोगों को पता है मदर्स डे है, तो मेरी गुड़िया ने मुझे भी गिफ्ट दिया है, तो मुझे इतनी खुशी हुई है मेरी गुड़िया ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा गिफ्ट, और मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने कैमरा रख दिया है, तो देखिए मैं ये खोलती हूँ। ये कह रही थी कि रात ही ला के रख लिया था उसने, सबसे पहले उठते ही मुझे गिफ्ट दिया है कि ये मम्मी मैं आपके लिए लाई थी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के पास ही दुकान है। तो देखिए गुड़िया ने मुझे आई शेडो ला के दिया है, कितने कलर का है इसमें, है 24 कलर है। तो ये देखिए खोल के दिखा देती हूँ, देखिए कितना प्यारा हार्ट बन रहा है उस पर, और उस पर दो ब्रूस एक्स्ट्रा है, अच्छा देखिए कि बीच में लग रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो बस मैं दिखा देती हूँ, चलो तो मैंने दिखाया था आपको गिफ्ट मेरी गुड़िया ने, तो बस मैं इसे रख देती हूँ अब, क्योंकि अब खाना बनाने की तरफ चलती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी नहीं बनाया था, नाश्ता बाजार का कर लिया था। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने आलू बना रही हूँ, तो मैंने आलू बॉईल करके काट लिया हूँ, इन्हें काटने के बाद मैं दाल बनाऊँगी, उड़द की दाल बनानी है मुझे, चावल नहीं बनाऊँगी, क्यों उड़द की दाल के साथ चावल नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने आलू कट कर लिए हैं, सूखे आलू भून लूँगी, दाल बनाऊँगी, दही है ज़रा सी, और सलाद काट लूँगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी थी, इसमें रिफाइंड ऑयल गिर दिया है, क्योंकि ये टमाटर वगैरह से नहीं भुनूंगी मैं, सिंपल से ही भुनूंगी जीरा गेर के। तो ये मैंने देखिए कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई इतने गर्म हो रही है मेरी, इसमें मसाले मिला लेती हूँ। इसमें मैंने जो हरी मिर्च काट के रखी थी उसमें ही नमक गिर दिया है, धनिया पाउडर गिरूँगी, लाल मिर्च पाउडर गिरूँगी, सारे मसाले गिरूँगी जो जो मुझे गिरने, देखे धनिया हल्दी भी गिर दिया है, क्योंकि टमाटर गिरती हूँ तो फिर मसाले सीधा कढ़ाई में गिर देती हूँ, और जब मुझे सूखे मसाले से भूनना होता है तो फिर मैं जो हरी मिर्च वगैरह कट करके रखती हूँ उसी पे मसाले गिरती हूँ। तो इतने मेरी कढ़ाई गर्म हो रही थी, इतने मैंने सारा मसाला मिला लिया है, तो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें जीरा हींग गिरूँगी, पहले देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है ना मेरी, मैं इसमें जीरा डाल दिया है, उसके बाद हींग गिर दूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है फटाफट से, आज मेरा दो तीन काम रह रहे थे बस वो भी निपटाने, तो बस उससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो ये देखिए जीरा हींग भुन चुके हैं, अब जो मैंने मसाले लेकर के चमचे से अच्छी तरह से चला दिए, देखो अब जो मसाला रखा था वो डाल दिया है इसमें, देखिए अच्छी तरह भुन गया है मसाला भी, अब इसमें आलू डाल दूँगी, देखिए आलू डाल दिया, अब इसे अच्छी तरह से चला दूँगी, क्योंकि जो नीचे मसाला बना हुआ था ना वो ऊपर को भी आलू पे कर दूँगी, अच्छी तरह हो जाएगा। ऐसे आलू बना के देखिए बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है सिंपल से आलू, तो हमारे यहाँ जीरे वाले भी आलू बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, तो बस मैं इस पर प्लेट ढक दूँगी, इधर दाल बनने रख दूँगी, आटा वगैरह लगा लूँगी। तो ये देखिए मेरे आलू हो चुके हैं, जो नीचे चिपक गए थे मैं उन्हें खुरच दूँगी थोड़ा सा, तो बस ये सारे में फैला दिए मैंने अच्छी तरह कढ़ाई में, ऊपर से प्लेट ढक दिए, तो ये अच्छी तरह भुन जाएंगे। तो ये देखिए भुन चुके हैं आलू, इधर मैंने आटा वगैरह छान के रख लिया है, तो मैं चला के एक बार गैस बंद कर दूँगी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है भुनने के बाद। तो बस मैंने ये तैयार है, इधर गैस बंद कर दूँगी आलू की, तो ये हो चुकी है गैस बंद, अब मैं आटा वगैरह लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने आटा छान के रख लिया था, पहले पलोथन निकाल लूँगी इसमें से, जिस डब्बे में मैं पलोथन रखती थी फ्रेंड वो टूटा भी नहीं है, जब मैंने रख दिया है उठा के, बस उसके लिए मैं टिफिन लाऊँगी। तो ये देखिए मैंने आटा निकाल लिया, नमक डाल दिया है आटे में, बस मैं आटा लगा लूँगी फटाफट से। तो ये देखिए आटा लगा के दाल भी बनने रख दी है, मेरी दाल भी तैयार है, पहले मैं रोटियाँ सेक लूँगी, दाल में तड़का बाद में लगाऊँगी। तो ये देखिए फटाफट से रोटियाँ सेक गई हैं सारी, दाल भी तैयार है बिल्कुल, देखिए दाल भी तैयार है बिल्कुल, मैंने उतार के कुकर स्टैंड पर रख दिया है, तो बस लास्ट की रोटियाँ रह रही थी, मैंने सोचा पहले यही सेक लेती हूँ, दाल में तड़का तवा रख दिया एक तरफा को, सीख चुकी है, देखिए कैसी फुली फुली रोटियां बन रही है। तो बस अब मैं गैस पर जिसमें तड़का लगाऊंगी दाल में, वो कटोरी रख दी है गैस पर, इतने वो गर्म होगी, मैं रोटी से घी लगा दिया है, तो बस
अब इस दाल गर्म हो चुका है, घी दानी रख दी है वो पूछ के, तो बस देखिए मेरी दाल अच्छी तरह हो चुकी है। मेरा तड़का लगाना है, जो जो जीरा वगैरह गिरना है मैंने जीरा हींग लाल मिर्च वगैरह गिर कर सब अच्छी तरह तड़का हो चुका है, तो बस ये मैंने दाल में गिर दिया है। चला दूँगी मैं एक बार, ये वाली दाल तो सिंपल सी ही अच्छी लगती है, उड़द की काली वाली दाल। तो बस ये हो चुकी है दाल तैयार। अब मैंने खाने खुने का काम निपट गया था, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए थे तो मेरे पास टाइम बचा था। मैंने बताया था ना आपको मेरे को काम करना है, ये रखे थे हमारे जवे आए हुए, ये जवे रखे थे तो मैं सोच रही टाइम काम टाइम से निपट गया तो मैंने भी भून के रख देती हूँ। तो ये देखिए जवे रखे हैं तो मैं इन्हें भून लूँगी आज, क्योंकि भून भान के ठंडे करके डब्बे में भर के जब भी बनाने हो उठा के बन छोक लिए और बन गए, और पहले बनाने से पहले भूनो तो बहुत टाइम लगता था। तो देखिए मेरे 2.5 किलो जवे हैं, तो मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें मैं थोड़े थोड़े कर अच्छी तरह भून कर सारे रख दूँगी। तो ये देखिए मेरे अच्छी तरह भूनने लग रहे हैं, हल्के हल्के हाथ से दोनों चमचे की या पलटे की मदद से अच्छी तरह पलटती रहूँगी। थोड़ी सी जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि धीरे धीरे में बहुत टाइम लगे थे, क्योंकि ये 2.5 किलो जवे थे, थोड़े से होते तो जल्द टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मेरे जवे हल्के हल्के कलर चेंज होने लगा है, और मैं आप लोगों से कह देती हूँ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो फ्रेंड तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो ये देखिए जवे भुनने लग रहे हैं, पहला घान हो चुका है, देखिए मैं इसे अच्छी तरह पलट दूँगी, कपड़े उससे पानी की मदद से पहले चला दूँगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए एक पौनी रखी हुई है, एक पलटा रखी हुई है, दोनों की मदद से चलाने पड़ते हैं, कभी इससे कभी उससे, क्योंकि हल्के हल्के हाथ से ही चलाऊंगी नहीं तो टूट जाएंगे, आप लोगों को पता है बाजार के जवे तो ऐसे ही आते हैं। तो ये देखिए मैं दोनों की मदद से भी चलाऊंगी, देखिए मुझे लग रहा है ये हो चुके हैं, बस मैं इन्हें परात भी रख लूँगी वहाँ पर, तो मैं बस इसे परात पर निकालती रहूँगी भून भून के। तो मेरा कलर हो चुका है जब का चेंज, क्योंकि जब टाइम बचता है तो एक दो काम कर लेती हूँ, या सिलाई का कर लूँ या जो घर में काम रखा है उसे कर लूँ, क्योंकि टाइम के अनुसार ही काम करना होता है। जैसे आज संडे था तो टाइम लग गया था, वरना तो बच्चों को टिफ़िन देना फिर कपड़े वगैरह करना बहुत टाइम लग जाता है, टाइम ही नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने गैस पर परात रख ली है, मैं कपड़े लेने चली गई क्योंकि मुझे कपड़ों से पकड़नी है, बस इतनी गर्म हो चुकी है ना कढ़ाई पूरी, तो इसी कपड़ों की मदद से ही पकड़ी जाएगी। तो ये देखिए मैं कपड़े ले आई हूँ, एक बार और चला दूंगी इसे अच्छी तरह से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चुके हैं सारे जवे, थोड़े से ही बच रहे हैं बस एक घान के, तो मैं फटाफट से इन्हें भी भून लूँगी। इसके बाद ये लास्ट के भगोने में बच रहे थे ये भी गेर दूँगी। तो ये देखिए मेरे भून चुके हैं, लास्ट के भी वो निकाल दिए हैं मैंने, अब ये भी लास्ट के भी गैस कर दिए बंद, तो बस इन्हें अच्छी तरह पलट के चला दूँगी। तो बस इसके बाद में जब ये ठंडे होने के लिए पंखे के आगे रख दूँगी, तो बस मेरे जवे भून चुके थे तो मैंने सोचा ड्रेस सुबह को भी प्रेस करनी, अभी टाइम था मेरे पास, तो ड्रेस प्रेस करके रख दूँगी बच्चों की। तो ये पहले मैं सीधी कर देती हूँ, फिर उसके बाद ड्रेस प्रेस करके रख दूँगी सारी, और एक अद्धा जो कपड़ा एक्स्ट्रा मुझे प्रेस करना है वो भी करके रख दूँगी। तो ये फटाफट से मैंने सीधे कर लिए हैं, तो बस मैं प्रेस करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि टाइम के अनुसार ही काम करना होता है, देखा है जो टाइम है या नहीं है। तो बस ये देखिए मैं बच्चों की ड्रेस प्रेस करके रख दूँगी फटाफट से, उसके बाद क्योंकि गर्मी लग रही है सारा काम करा है, शाम का टाइम होने लग रहा है, फिर मैं ऊपर मुझे छत पे भी जाना है, क्योंकि अगर शाम को हवा चलती है तो मैं शाम को छत पे ज़रूर जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने फटाफट से ये ड्रेस प्रेस कर दी है,
और आप लोगों को दिख रहा होगा डोरी नीचे लगा रखी है, क्योंकि हमारा ये बोर्ड है ना थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं इसमें ये डोरी मैंने घर पे ही जो रील वगैरह खाली होती है ना उनके खोल होते हैं, तो वही मैंने इसमें डाल रखी है, तो उससे करंट लगने का भी डर नहीं रहता, वही प्रो रखे हैं, तो मैं उसी की मदद से प्रेस कर लेती हूँ नीचे बोर्ड रख के, तो वैसे ही फटाफट से ही काम हो जाता है। तो ये देखिए मेरी हो चुकी है, मशीन वगैरह लगानी होती है तभी मैं इसे ही लगा लेती हूँ। तो ये हो चुके हैं कपड़े सारे प्रेस। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ छत पर, शाम का टाइम हो रहा है, तो ये देख रहे हो आप मेरे हाथ में गुड़िया, ये मैंने इसे परसों धोया था, मैं ले रही थी आपने वीडियो में देखा था, तो ये सूख चुकी है। ये गुड़िया मेरे हस्बैंड पहली बार खाटू श्याम गए थे तो वहाँ से लाए थे, तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, तो मैं सोची थोड़ी देर छत पे ही घूम लेती हूँ, फिर नीचे जाके चाय दूध वगैरह करना है। तो देखिए कितनी मेरे साथ गुड़िया भी है, वो उधर खेल रही है। तो ये देखिए हम नीचे आ चुके हैं, मैंने चाय दूध वगैरह बनने रख दी है, देखिए ये चाय हो रही है, इधर दूध है। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय फ्रेंड।